अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सब ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैं जो हैंड पेंटिंग करती हूँ, 3D पेंटिंग, द विच कलर डू आई यूज। तो मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करवा दूँ थोड़ा सा। ये कलर्स हैं, वाटर कलर्स हैं, और ये आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएंगे। ये ट्यूब में होते हैं छोटे से, इस तरह से, एंड आप किसी भी ब्रांड के, किसी भी क्वालिटी के ले सकते हैं। इसके अलावा जो 3D पेंटिंग में कमाल है वो सारे हैं मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स का है। तो उसके साथ कुछ कलर्स और मजीद भी ऐड करती हूँ, जैसे कि मार्कर कलर्स हैं। दीज आर द मार्कर कलर्स विच आई यूज फॉर 3D पेंटिंग ऑन माई हैंड। जैसे कि मैंने अपनी पेंटिंग्स बनाई थी हैंड के ऊपर, कोबरा बनाया था, जिराफ बनाया है, और पेंगुइन बनाया था। तो उनके अंदर मैं इस तरह के कलर्स भी यूज करती हूँ डार्क स्पॉटिंग के लिए, लाइंस के लिए। इसके अलावा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो मैं आउटलाइन देती हूँ वो ये ब्लैक मार्कर कलर है, मर्करी का परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर का मतलब ये नहीं है कि ये वॉश आउट नहीं होगा आपकी स्किन से, ठीक है। ये सारे वो मटेरियल है जो आपकी स्किन को हार्मफुल नहीं होता, स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें मैं यूज करती हूँ। इसके अलावा मेरी मेकअप प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं चीजें, सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाइट कलर के लिए मैं यूज करती हूँ अपनी नेल पॉलिश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई लव माय मेकअप प्रोडक्ट्स एज वेल। एंड बेस कलर के लिए आई यूज द एक्वा बेस, और इसके साथ मैं अपना ये काजल यूज करती हूँ ब्लैक कलर के लिए। और बाकी जो है आपके वाटर कलर लाइक दिस ब्रश के साथ, अब इसको यूज करेंगे तो बड़ा ही इवन और अच्छी ब्लैक कलर की बेस बन जाती है। और ये जो हमारे वाटर कलर्स हैं, ये तो वैसे तो हम वाटर पानी के साथ यूज करते हैं, लेकिन 3D आर्ट पेंटिंग के लिए जब आपको थिक कलर्स चाहिए होते हैं वो सिर्फ मैं ट्यूब में इसको ऐसे यूज करती हूँ विदाउट यूजिंग द वाटर। अगर वाटर यूज भी करेंगे तो बहुत हल्की क्वांटिटी में। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ, क्यों, क्योंकि 2-3 वीडियोज पे कमेंट्स थे कि कौन कौन से वाटर कलर यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरी बड़ी हेल्पफुल हैं और मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई यूज टू ब्रिंग इट आफ्टर 1 or 2 weeks अगर मैं इनको ज्यादा यूज करूं। और इसके अलावा डिफरेंट कलर की नेल पॉलिशेस होती हैं, वो भी हम इजीली यूज कर सकते हैं कलर्स के लिए। तो गाइज मैं इस मार्कर कलर से आपको जरा दिखा दूं कि किस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहां पर कोबरा बनाऊं, देखिए ये इतना अच्छा कलर है कि आपको दोबारा से इसको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉप करो जी। तो एक सिंगल लाइन के साथ ही हम इनको यूज कर सकते हैं, लाइक यू कैन सी। ये थोड़ा सा कोबरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, पर असर जो मैं अपनी 3D पेंटिंग्स करती हूँ वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही मैं कर लेती हूँ, ठीक है। आई नो आई लव पेंटिंग एंड आई नो हाउ टू ड्रा फाइन। चले मैं ऐसी कलर से आपको अपना नेम यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, एंड इट लुक्स सो नेचुरल। सो गाइज यू कैन सी दैट दीज आर द टूल्स, दीज आर द इंग्रीडियंट्स विच आई यूज फॉर 3D पेंटिंग। और व्हाइट कलर के लिए मेरी नेल पॉलिश है, इसको सिर्फ अगर एक सिंगल कोट में यूं करें, इसके आईज बना लें आप। लाइक यू कैन सी, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू आस्क मी द क्वेश्चन एंड आई विल जस्ट टेल यू कि मैं वीडियोस अपनी किस तरह से बनाती हूँ और आप लोगों को भी हेल्प आउट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।